Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read our fifth lesson, that is the summit within. इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम एक बार इसका थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं. दिस स्टोरी इज एक्सपीरियंसेस ऑफ मेजर HPS आलूवालिया. ये जो स्टोरी है ये मेजर HPS आलूवालिया की है. A member of the first successful Indian expedition to Mount Everest. ये पहले member थे जो कि Mount Everest पे successfully चढ़ने वाले member थे Indian expedition के. ठीक है, now come to the chapter. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Major HPS Ahluwalia जो थे वो पहले member थे Indian expedition के जो successfully Mount Everest पे चढ़े थे in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? उन्हें कैसा feel हो रहा था जब वो world के सबसे highest point पर खड़े थे? Let us hear his story in his own words. ये उन्हीं की स्टोरी है और हम उनकी स्टोरी उनके ही शब्दों में सुनते हैं. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. ठीक है, now come to the story. Of all the emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. अब यहाँ पे देखो जब वो उन्हें कैसा फील हो रहा था, सारे इमोशन से दूर का इमोशन था जब वो एवरेस्ट पर थे और उन्होंने जब दूर दूर तक देखा, सडनली जब उन्होंने देखा कि वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े हुए हैं. सर्च्ड का मीन्स होता है suddenly and intensely, मतलब suddenly अपना सिर उठाना और ऊपर उठकर देखना. तो उन्हें क्या फील हुआ कि वो एवरेस्ट की चोटी पर हैं. Looking over miles of panorama below us, और उन्होंने नीचे देखना शुरू किया, अपनी गहराई तक उन्होंने नीचे देखा, क्योंकि जब वो पहाड़ी के ऊपर सबसे ऊपर पॉइंट पे थे एवरेस्ट की चोटी पर, और जब उन्होंने वहाँ से नीचे देखा तो उनका जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया दिखाई दे रहा था उनको. ठीक है, उनका जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड था और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी में थे, खुश हो रहे थे कि वो इस एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हैं. और साथ ही साथ उनको थोड़ा सा अंदर से डर भी लग रहा था और थोड़ी सी घबराहट थी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट थी जो वो वहाँ पर खड़े थे. ऐसे पॉइंट पे आके जब हम कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क कर लेते हैं तो हमारे साथ भी ऐसी स्टेज आती है जब हमें अंदर से थोड़ा डर होता है, थोड़ी क्रेज़ होती है, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि अरे हमने ये काम कर लिया. द फिज़िकल इन मी सीम टू से, अब यहाँ पर उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और फिर भी थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, और उन्होंने ये सोचा कि थैंक गॉड ये सारी चीज़ ओवर हो चुकी, मैं एटलीस्ट अपने गोल तक पहुँच गया. हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी भी थी उनको क्योंकि उन्होंने अपनी सक्सेस देख ली थी या अपनी सक्सेस तक पहुंच गए थे, और साथ ही साथ उनको थोड़ी सी परेशानी भी थी, टायर्डनेस भी थी, सैडनेस भी थी. ठीक है, वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और वो इसलिए थी कि उन्होंने, मतलब खुशी तो इसलिए कि उन्होंने सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ गए, ऊंची चोटी तक पहुंच गए, और साथ ही साथ सैडनेस इसलिए थी क्योंकि अब उन्हें जो सबसे ज़्यादा
ऊंची चोटी है वर्ल्ड की, भारत की, उस पर वो चढ़ गए। लेकिन अब उसके ऊपर कोई भी हाइयर पॉइंट अब उनके पास नहीं है टारगेट करने के लिए। इस बात का उनको दुख था कि अब उनके पास टारगेट करने के लिए और कोई भी हाइयर पॉइंट नहीं था। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेड डाउन, और यहाँ से अब सभी रास्ते नीचे की तरफ जाते, ऊपर की तरफ अब कोई भी रास्ता नहीं जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे हाइयर पॉइंट पर थे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। जब वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए तो उनके अंदर एक डीप सेंस था खुशी का, थैंकफुलनेस का। मतलब उनके अंदर खुशी भी थी और साथ में भगवान को थैंक यू भी कर रहे थे कि वो सही सलामत उस चोटी तक पहुंच गए। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये एक ऐसा जॉय था, जॉय है जो लाइफ टाइम उनके साथ रहेगा। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। और जो आदमी माउंटेन्स पर रहता है, वो हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, जो एक बार वहाँ चला गया वो दोबारा वैसा नहीं कर सकता। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल, नो ईजियर टू क्लाइंब। अब जब वो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, जब वो एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद अपनी लाइफ में वापस आ गए, तो वो आई कैन हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, अब वो क्या कर रहे थे, दूसरी समिट को हेल्प कर रहे थे। द समिट ऑफ द माइंड, उनका जो माइंड था उसको वो वहाँ तक पहुँचा रहे थे। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, मतलब नो लेस फॉर्मिडेबल, ना ही तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ना ही बहुत ज़्यादा ईजियर है चढ़ने के लिए। ठीक है, इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, जब वो एक बार वहाँ से वापस आए या अपनी समिट से वापस आते हैं, तो वंस द फिजिकल एग्जॉशन, अपनी जो फिजिकल एग्जॉशन है, एग्जॉशन का मतलब होता है फैटीक, थकान, है ना, उनकी जो थकान थी, उनकी जो टायर्डनेस थी वो चली गई थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, अब वो अपने आप से एक क्वेश्चन करने लगे कि मैंने एवरेस्ट को क्यों क्लाइंब किया था, क्यों मैं एवरेस्ट पर चढ़ा था। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, मतलब ये मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैंने सोचा कैसे कि मैं वहाँ तक जाऊँ, या मेरे दिमाग में ये इमेजिनेशन कैसे आई। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये पूरी तरह से पास्ट का एक हिस्सा बन गया था। जब वो काम हम कर चुके तो फिर हम मन में सोचते कि अरे मैंने ये काम कैसे कर लिया था, क्या मुझे इंस्पिरेशन मिली, क्या ऐसा हुआ जो मैंने ये करने की सोची। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकेम मोर रिमोट, अब हर दिन के साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता जा रहा था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकेम मोर रिमोट एंड देन व्हाट वुड रिमेन, अब धीरे धीरे हर पासिंग डे के साथ वो रिमोट में चला जा रहा था। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, अब क्या बच गया, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादें हैं वो धीरे धीरे चली जा रही हैं, है ना। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, और ये सारी चीज़ें सोचते सोचते उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और वो कह रहा है कि मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, लोग जो हैं वो माउंटेन्स पर क्यों जाते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देना उतना ईजी नहीं था।
द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड. इसका सबसे सिंपलेस्ट आंसर जो बाकी लोग कहते हैं वो क्या है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो वहाँ पर है. इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल. अब जो माउंटेन है वो वहाँ पर है और वो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पैदा करता है अपने तक पहुँचने में, है ना. और मैन टेक्स डिलाइट, और आदमी को बहुत खुशी मिलती है डिफ़िकल्टीज़ को चैलेंज करने में, मतलब डिफ़िकल्टीज़ को पार करने में, अपने ऑब्स्टिकल से उभर कर आने में इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिज़िकल. अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स एड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. जो उस पर चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या क्या है, एड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. हमारी खुद की विल पावर होती है, और जो लोग इस पर चढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, है ना. और इन सब के लिए हमारी जो एड्योरेंस, हमें अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हम इस काम के लिए एप्लीकेबल हैं या हमें ये काम करना है. तो हमारे अंदर से जो चीज़ आती है उसको कहते हैं विल पावर्स. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिज़िकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एग्जिलेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. और अपनी इन फिज़िकल क्वालिटीज़ को दिखाना, जैसे जो हमारी परसिस्टेंस है, एंड्योरेंस है, हमारी विल पावर है, इन सबको शो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी मिलती है. और यही मेरे साथ भी हुआ था. आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. और मेरे पास एक इस क्वेश्चन का एक बहुत ही पर्सनल आंसर है, वो क्या है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. मैं अपने चाइल्डहुड से ही, अपने बचपन से ही माउंटेन्स की तरफ अट्रैक्टेड था. आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम द माउंटेन्स इन द प्लेन. और जब मैं प्लेन्स पे रहता था तो मैं अपने आप को खोया हुआ महसूस करता था, मिजरेबल महसूस करता था कि मैं उन माउंटेन्स तक नहीं पहुंच पा रहा. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. माउंटेन्स का जो नेचर होता है वो सबसे बेस्ट होता है. देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज. उनकी जो ब्यूटी है, जो मेजेस्टी है, वो हमारे लिए एक ग्रेट चैलेंज है, ठीक है. एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. और बाकी लोगों की तरह मैं भी ये मानता हूँ कि माउंटेन्स जो हैं वो भगवान से बात करने का एक ज़रिया है, है ना. क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं और कई लोग मानते हैं कि अगर हम पहाड़ की चोटी तक चढ़ गए तो हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स. इस चीज़ को सोचते हुए क्वेश्चन दिमाग में फिर भी अभी तक है, वाई एवरेस्ट. मतलब दुनिया की इतनी छोटी छोटे पहाड़ियाँ हैं, मैंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना. अब दिमाग में उसके ये क्वेश्चन आ रहा है कि Why Everest? मतलब इतने सारे पहाड़ हैं, उनमें से एवरेस्ट को ही मैंने क्यों चुना. Because it is the highest, the mightiest and has defined many previous attempts. क्योंकि जो एवरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पीक है, mightiest. Mightiest मतलब भगवान के सबसे ज़्यादा करीब है. And has defined many previous attempt. और उस पर चढ़ने के पहले जो विफल प्रयास थे, फ्रस्ट्रेटेड, रेजिस्टेड, जो रोकने के ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं इस पर चढ़ने में, तो जितने ज़्यादा ऑब्स्टिकल आते हैं उतना ज़्यादा इंसान यूँ सोचता है कि उसे भी चैलेंजेस लेने में मज़े आते हैं. तो इस पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी, इस वजह से उसने एवरेस्ट को चुना. इट टेक्स द लास्ट औंस ऑफ वंस एनर्जी. और इस पे जो चढ़ता है वो उसकी जो एनर्जी होती है वो लास्ट औंस तक ख़त्म हो जाती है. मतलब
पूरी एनर्जी, कहने का मतलब है कि वो पूरी की पूरी एनर्जी उसकी क्या करता है, अपने ख़त्म कर देता है इंसान की एनर्जी लास्ट ऑन्स तक। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। और ये जो है ये सब ब्रूटल स्ट्रगल है, ठीक है, ये एक स्ट्रगल है रॉक और आइस के बीच में। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। अब यहाँ पे एक आदमी जब इस पर चढ़ जाता है तो वो आधे रास्ते में गिव अप नहीं कर सकता, या तो वो मर ही जाएगा या फिर वो लास्ट तक पहुँचेगा। द पैसेज बैक इज एज इवन वंस लाइफ इज एट स्टेक। अब इसका जो पैसेज है, इसका रास्ता वापस आने का उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना कि इसका रास्ता आगे बढ़ने का है। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। जितना इसका ऊपर चढ़ने का रास्ता मुश्किल है, उतना ही इसका नीचे उतरने का रास्ता भी मुश्किल है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, और जब वो समिट पहुँच जाते हैं, वो समिट हमारा जो समिट है वो क्लाइंब कर गए, देयर इज द एक्सिलरेशन द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। अब जब हम उस डिफ़िकल्ट टास्क को कर लेते हैं तो जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, एक्सिलरेशन मतलब एक्साइटमेंट, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, वो एक्साइटमेंट मतलब सबसे अलग है कि हमने कुछ किया, इतना मुश्किल टास्क हमने कर लिया। द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वॉन, हमारी जो सेंस होता है वो कैसा लगता है कि या तो मर जाओ या जीतो, जीने और मरने का ये जो बैटल होता है वो हमारे बीच में चलता है। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे हमारी फीलिंग होती है विक्ट्री की भी, जीत की भी फीलिंग होती है और हैप्पीनेस की भी। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। जैसे ही मैं पीक पर पहुंच गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गया। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ। मेरे अंदर मुझे खुद को एक चेंज महसूस हो रहा था, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, ठीक है। और ये चेंज जो मैंने अपने आप में महसूस किया उसको मैं क्या कह सकता हूँ, मिस्टिकल यानी स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअली अंदर से चेंज है ना, अंदर से ये चेंज आया है। बाय इट्स ब्यूटी अलूफनेस माइट रगनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। रास्ते में जो इसकी ब्यूटी है, इसका जो इसके बीच में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो रगनेस है, इन सारी चीज़ों से मुझे ये कैसा फील हो रहा है कि ये जो चेंज है ये कैसा है, मिस्टिकल। और ये अपने आप में एक चैलेंज है। द पीक ड्रॉज मी टू इट। और जो जब उस पीक पर मैं पहुंच गया तो वो पीक मुझे कहाँ पहुंचा देती है, एवरेस्ट की चोटी पर, एज एवरेस्ट डिड। जब मैं पीक पर पहुंच गया तो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। ये एक चैलेंज है अपने आप में जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है ना। ये चैलेंज जो है इससे हम अपने आप को रोक पाएँ, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन Why I climbed Everest। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैंने अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। और ये उसी तरीके से है कि हम उस क्वेश्चन को आंसर करें कि हम सांस क्यों लेते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करना जितना मुश्किल है, उतना ही ये बताना मुश्किल है कि मैंने एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स।
क्यों तुम अपने नेबर्स को हेल्प करते हो, क्यों तुम अपने आप में गुड एक्ट्स करते हो, अपने लिए अच्छे काम करते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। जैसे इन चीज़ों के लिए कोई भी पॉसिबल आंसर नहीं है कि हम एक दूसरे की मदद क्यों करते हैं और हम अच्छे एक्ट क्यों करते हैं, इन सब का कोई फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एवरेस्ट पर चढ़ने का भी एक फाइनल आंसर अब तक पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट ए फिज़िकल क्लाइंब। ये एक ऐसा फैक्ट है कि एवरेस्ट पर जस्ट फिज़िकल क्लाइंब है, कि फिज़िकली वो वहाँ तक पहुँच गया। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकेम कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर। जो आदमी माउंटेन के टॉप पर पहुँच जाता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है एक स्पेशल मैनर में, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। और वो इस बात से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, अचंभे में आ जाता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड में इतना छोटा कैसे हूँ। द फिज़िकल कंक्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। और यहाँ पे दो पार्ट हैं अचीवमेंट के। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। एक तो इसमें दो अचीवमेंट है, एक तो हम फिज़िकली वहाँ तक पहुँच रहे हैं और दूसरा है कि हमारे अंदर की सेटिस्फैक्शन। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग। हमारे अंदर से सेटिस्फैक्शन होती है कि हम एक सराउंडिंग छोड़ के उससे बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच गए। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और ये एक ऐसा अंदरूनी प्यार है, एटर्नल लव है अंदर से जो आता है, जो कि हमें प्रेरित करता है माउंटेन पर चढ़ने के लिए या एडवेंचर करने के लिए। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिज़िकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। हमारा जो ये एक्सपीरियंस है वो मेयर फिज़िकल नहीं है, बल्कि हमें अंदर से भी मोटिवेशन मिलती है, इमोशनली हम उसके साथ अटैच होते हैं, और स्पिरिचुअली मतलब हमें अंदर से ये फीलिंग आती है कि हम वहाँ पर पहुँच गए हैं या पहुँचना चाहते हैं। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टुवार्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्लाइंब है जो हम आखिरी तक पहुँचते हैं। यू आर शेयरिंग अ रॉप विद अनदर क्लाइंबर। हम दूसरे क्लाइंबर के साथ अपनी रस्सी को शेयर करते हैं। यू फॉरमिन ही कट द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, देन ही बिलेज एंड यू इंच यू वे अप। अब इस पर जो ये टास्क होता है क्लाइंब करने का वो बहुत मुश्किल है, कि हम एक कील लेते हैं, फिर उसको ऊपर गाड़ते हैं, फिर हम उस पर चढ़ते हैं, और फिर हार्ड आइस में हम आगे इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं। Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. जो हमारा climb है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। You strain every nerve as you take every step. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. जो climb है यहाँ पर चढ़ने का वो बहुत मुश्किल task है, और हम उसमें हमारी जी जान लग जाती है। जैसे ही हम एक स्टेप रखते हैं तो वहाँ पे हमारी एक एक स्टेप के साथ हमारी पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम वो कंट्रोल होता है। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो हमारे फेमस क्लाइंबर हैं उन्होंने अपना रिकॉर्ड दिया है कि दूसरों की हेल्प कैसे लेकर वो चढ़े या फिर उन्होंने कैसे दूसरों की हेल्प की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो उन्हें उस दूसरों की हेल्प की कितनी नीड थी, कितनी ज़रूरत थी। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने ये भी बताया अपने रिकॉर्ड में कि कैसे सिर्फ और सिर्फ उन्हें उस छोटी सी हेल्प की ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप। उसके बगैर
उन्होंने अपना गिवन अप कर दिया था, मतलब वो हार मान ली थी, लेकिन उनको वो छोटी सी हेल्प मिलते ही वो आगे बढ़ गए। ब्रीदिंग इज दैट हेल्प। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। अब यहाँ पे देखो, ब्रीदिंग जो है वो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप माउंटेन पर चढ़ते जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट। देयर आर मोमेंट्स वैन यू फील लाइक गोइंग बैक। अब यहाँ पे हमने आस पास हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या हेल्प मिल सकती है। ऐसी मूवमेंट आती है जब हम वापस आने की सोचते हैं, हमारे सामने ऐसी ऐसी मूवमेंट आती है जब हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ से वापस हो जाएं। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। हम ऐसी मूवमेंट पे पहुँचते हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि अब हमें नीचे चलना चाहिए बजाय इसके कि हम ऊपर बढ़ें। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। और एक ही बार में हम अपने उस मूड से उभर जाते हैं। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। हमारे अंदर से कोई ऐसी चीज़ है जो हमें उसे गिव अप करने नहीं देती। द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन। और हमारा स्ट्रगल एज यूजुअल चलता रहता है। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। हमारे जो कंपेनियन है वो भी हमारे साथ चलते रहते हैं। जस्ट अनदर 50 feet और 100 में भी वो हमारे से 50 feet या फिर 100 feet आगे हैं। यू आस्क यूर सेल्फ इज देयर नो एंड। हम अपने आप से पूछते रहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई एंड नहीं है, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। हम अपने कंपेनियन को देखते रहते हैं और वो हमें देखता रहता है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बींग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और हम एक दूसरे को देखते देखते इस बात से अनजान हम आखिर में अपने समिट तक पहुँच जाते हैं। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल यूर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। अपने आस पास देखते हुए हम ये देखते हैं कि अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड। हम जब उसके आस पास देखते हैं तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी पीक्स नज़र आती हैं। The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. और हमारे जो आस पास की छोटी छोटी पीक्स हैं वो हमें ऐसी दिखाई देती हैं कि वो हमारी पीक का, एवरेस्ट का छोटे छोटे एक हिस्सा है, एक नेकलेस की फॉर्म में वो हमें दिखाई देता है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस। हम जैसे ही उससे वैली से नीचे की तरफ झांकते हैं, इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट। और ये हमारा कैसा एक्सपीरियंस है जो हमें वर्ल्ड वाइड डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग आती है जैसे हमें कभी महसूस नहीं हुई। ये एक बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. और हम नीचे देखते हैं और हम अपने उस भगवान को याद करते हैं जिस भगवान को हम मानते हैं। मतलब इतना डर होता है हमारे अंदर उस इतनी ऊंची चोटी से जब हम नीचे झांकते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। I left on Everest a picture of Guru Nanak. और वो कहता है कि जब मैं एवरेस्ट पर पहुंचा तो मैं गुरु नानक जी की फ़ोटो अपने साथ लेकर गया था। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत जो था उसने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर ले रखी थी। फूडोर जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। और दूसरे जो उनके कंपेनियन थे फूडोर जी, उन्होंने बुद्धा की फ़ोटो ले रखी थी या बुद्धा का मूर्ति ले रखी थी। एडमंड हिलरी हैड बरीड अक्रॉस अंडर ए कैरन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन। और जो एडमंड हिलरी थे, इनका नाम आपने सुना होगा, वो वहीं कहीं रॉक्स और चट्टानों और पत्थरों के बीच में दफनाए हुए थे, बरीड हो गए थे स्नो के बीच में। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ये जो सिम्बल्स हैं
ये किस बात को दिखाते हैं? हमारी गहराई को, है ना, हमारी रेवरेंस को दिखाते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। जो एक्सपीरियंस है हमारा वहाँ तक चढ़ने का, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है और वो हमें पूरी तरह से चेंज कर देता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। और वहाँ हमारे पास एक और समिट होता है जो हमारे खुद के अंदर होता है, इट इज़ इन योर ओन माइंड। वो हमारे खुद के अंदर, हमारे खुद के दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर आदमी अपने साथ अपनी माउंटेन पीक को अपने माइंड में लेकर चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और वो वहाँ तक अपनी खुद की नॉलेज से पहुँचता है। इट इज़ फियरफुल, अनस्केलेबल, इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स। और हमें अपने दिमाग में जो हमने इशू बना रखा है, अपना एक गोल बना रखा है, तो वो हमारे अंदर ही है। हम उस कोई दूसरा उस चीज़ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि हमारा जो गोल है वो हमारे माइंड के अंदर ही है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। और हमें अपना गोल खुद अचीव करना। द फिज़िकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन। और जो हमारा फिज़िकल एक्ट होता है माउंटेन तक चढ़ने का, आउटसाइड इज़ अ कीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन। वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, अंदर से पेनफुल होता है। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। दोनों के क्लाइम्स जो थी वो बिल्कुल सेम होती है। एक तो हमारा फिज़िकली वहाँ तक चढ़ना और दूसरा हमारा माइंड को वहाँ तक चढ़ाना। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिज़िकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब इज सर्टेनली चेंज यू। हमारा जो क्लाइंब है माउंटेन पर, वो चाहे फिज़िकल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, वो हमें उस माउंटेन तक पहुँचाता है और उसके बाद वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और ये हमें अपने बारे में, अपने वर्ल्ड के बारे में, अपने एडवेंचर के बारे में बताता है, हमें खुद को टीच करता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइड मी विद इन द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ और डील रिजोल्यूटली। अब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है एवरेस्ट तक चढ़ने का, उसने मेरे लाइफ में भी ऐसा इंस्पिरेशन पैदा किया कि मेरी लाइफ में चाहे जो भी ऑब्स्टिकल आए, मैं अब उनसे घबराता नहीं हूँ। द कन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और जो मेरी इंटरनल समिट थी वो कहीं ज़्यादा थी एवरेस्ट पर चढ़ने की बजाय। आई होप आप सबको ये लेसन समझ में आया होगा, आप इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। ठीक है, तो नाउ वी क्लोज अवर चैप्टर। थैंक यू।